सिद्धा योगा वट एवर जितने की चिकित्सा पद्धति है अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन के तहत, इनकी जो डॉक्टर होता है गाँव गाँव में बहुत अच्छी तरह से वर्षों से सेवा दे रहे हैं। और इनको क्या होता है, कभी ये लोग कोई क्रॉस पैथिक कर लेते हैं, सपोज किसी को फीवर आया, अगर इन्होंने किसी को क्रोसिन टैबलेट दे दिया तो इनको झोला चल जाता है। तो कहने का ये हमारा कुछ कमी है नियम कानून में। और दूसरी तरफ अपन देखते हैं एक मॉडर्न मेडिसिन का डॉक्टर, वो सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज करते हैं, उनको ऊपर कभी कोई कार्रवाई नहीं होता है। तो ये दोहरे मापदंड हमारे देश में कब तक चलेगा? और मेरे को दुख की बात है, पहली बार किसी ऑर्गेनाइजेशन इसका ऊपर इतने बड़ा लेवल पे हल्ला बोल मिशन करके इस बात को ऊपर डिबेट करके समाज के हर वर्गों के प्रतिनिधि को बुला के हम इसके ऊपर एक चर्चा करने के लिए आगे आयोजन किया जा रहा है। और हमारा 1 दिसंबर से मिशन हमने स्टार्ट किया है, 3 फेज में हमारा प्रोग्राम होगा। पहला फेज इंदौर में होगा, दूसरा फेज भोपाल में होगा और थर्ड फेज हमारा दिल्ली। आज के कार्यक्रम में लगभग हमने 22 वक्ता को इसके अंदर बुलाया है। इसके अंदर विश्व हिंदू परिषद के वक्ता हमारे बीच में हैं, उसके बाद राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के हमारे ऑफिसर, हेल्थ डायरेक्टर, आयुष डायरेक्टर, समाज के विभिन्न प्रतिनिधि वर्गों के हैं, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधि हमारे बीच में है, मीडिया के तरफ से हमने प्रेस क्लब अध्यक्ष को आमंत्रित किया है। इस तरह हमने कोशिश किया समाज के हर वर्ग के प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में आए और इन डॉक्टर की जो पीड़ा है इसको थोड़ा सा समझने का कोशिश करें। जहाँ हमारे देश में डॉक्टर की कमी है, कोई डॉक्टर गांव में जाना पसंद नहीं करता है, और वहाँ पे जो लोग वहाँ पे वर्षों से सेवा दे रहा है और उनको प्रताड़ित किया जाना, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है। और उस प्रॉब्लम को कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं उसके लिए हमारे इसके अंदर हमने 10 मांगे रखा है। इसके अंदर पहला जो हमने मांग रखी है, जो लोग रजिस्टर्ड है वो तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, उनको कोई बेसिक हेल्थ केयर के लिए WHO के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग एलोपैथी मेडिसिन का परमिट दिया गया है। और जो लोग रजिस्टर्ड नहीं है और वर्षों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहने का उनको एक प्रशिक्षण दिया जाए 6 महीने या साल भर की, गवर्नमेंट वो डिसाइड करे किस टाइप का प्रशिक्षण हम उनको दे पाए, उसको ऊपर एक प्रशिक्षण दे के उनको मान सम्मान और स्थान के साथ मेडिकल प्रैक्टिस करने का अधिकार। डॉक्टर राजीव पाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति विकास संस्था।